दर्द है, तबीयत भी खराब है, वॉमिट जैसा हो रहा है। अब सेब, मैंने सेब कटवाए हैं थोड़े से और शक्करकंदी ले ली हूँ इसके साथ, मसाले के साथ, तो ये खा रही हूँ, देखती हूँ कैसा लगेगा। रोटी तो खाई नहीं जा रही बिल्कुल भी, चाय दूध कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, जब बीमार होता तो कुछ खाने का मन नहीं करता। जब मैं बीमार होती ना, सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, मुझे बड़ा ना अजीब सा लगता है। सब बाहर से खाना खाते हैं तीनों टाइम, मुझे अजीब सा लगता रहता है। इनको फैला हुआ घर अच्छा नहीं लगता, सारा घर इधर उधर पड़ा है अस्त व्यस्त, सब तीनों टाइम का खाना बाहर खाते हैं, मुझे बड़ी खराब लगती है ये चीज़। तो क्या करूँ, मेरे हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरे से उठ के काम करने की। चलो मिलती हूँ, मैं सेब खा लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक, हेलो गाइस, अभी हॉस्पिटल में आना पड़ा, टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने, बोलते हैं क्या है, डेंगू वेंगू के टेस्ट बताया डॉक्टर ने, वो रिपोर्ट आई है उसकी, फैल देखो क्या है, भगवान ना करे कुछ और ऐसे ठीक हो जाए दवाई वाई से। भूख लग गई बहुत ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वैसे मेरी तबीयत अच्छी नहीं है अभी, जैसे मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले, और तो डेंगू हो गया है मेरे को, और डॉक्टर ने कहा था हॉस्पिटलाइज होने के लिए, पर मैंने नहीं, मैं गई नहीं हॉस्पिटल में, हस्बैंड तो मेरे कह रहे हैं मेरे। फिर वैसे खाने पीने का मैं घर पर काफ़ी ध्यान रख रही हूँ, मेरे हस्बैंड काफ़ी ध्यान रख रहे हैं मेरा, नारियल पानी, जूस और इलेक्ट्रोल पाउडर, और वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जी, वो जो बॉईल करके पीते हैं उसको, गिलोय, गिलोय का पानी भी चल रहा है मेरा, और पनीर वनीर सब खा रही हूँ मैं, सब अच्छे से ध्यान रख रही हूँ ऐसे अपना। पीछे से मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कीवी कीवी, हाँ कीवी भी खा रही हूँ मैं। कीवी भी खा रही हूँ क्योंकि उससे तो प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ती है ना, तो वो डॉक्टर ने बताया है मेरी ना प्लेटलेट्स थोड़ी सी कम हो गई थी, परसों तो सही आई थी 1.5 लाख थी, और कल मैंने चेकअप कराया तो थी 1,10,000, आज चेकअप कराया थी मैंने, कल कराऊंगी उससे तो पता चलेगा कितनी है अब। ठीक है, वैसे इचिंग बहुत हो रही थी मेरी बॉडी पर ना, कल तक नींद भी नहीं आ रही थी मुझे, उसकी वजह से रैशेज़ हो गए थे बॉडी पर रेड रेड, तो आज तो अब तो फ़िलहाल है नहीं, आज तो मैं सोई हूँ, काफ़ी दिन में भी सोई थी और सुबह भी लेट ही उठी थी, वैसे रात नहीं आई थी नींद मेरे को ना, 2:30 बजे तक। तो अब देखते, काव्य का भी पेपर है, काव्य पेपर देख के आई थी अभी थोड़ी देर पहले, स्कूल से आई है, और मम्मी आई हुई है हमारी घर पे, हमारा खाना वाना देखने के लिए, काव्य की अम्मा, और काव्य की कल की छुट्टी है, परसों उसको भी पेपर है, अब देखते हैं क्या होगा, मम्मी तो घर चली जाएंगी कल, अब देखते हैं कि खाना कौन बनाएगा, मेरे हस्बैंड बनाएंगे, है ना जी, आप बनाओगे फिर खाना? हाँ है, मैं बना दूँगा, बाहर से आ जाएगा। नहीं, मेरे लिए कौन बनाएगा, मेरे लिए, मेरे लिए, और जो जहाँ से मेरे लिए आएगा वहाँ से तुम्हारे लिए खिचड़ी आ जाएगी मेरी वहाँ से, हाँ कर लेंगे मैनेज, मैनेज कर लेंगे, खिचड़ी तो कोई मिलती भी है, मैं तो खिचड़ी खाऊंगी, उससे अलग कुछ ना खाऊँ मैं, हाँ तो खिचड़ी बना देंगे, हैं हमारे पास आदि बना देंगे। तो सोचा चलो थोड़ा सा बना लेती हूँ वीडियो, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, वीकनेस तो बहुत आ रही है मेरे अंदर ना, कड़ा नहीं हो जा रहा मुझसे, गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि दवाई वाई खा रही हूँ पता नहीं क्या है उसकी वजह से। चलो मिलते हैं, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, और मैं अभी हेड वॉश नहा के आई हूँ, हेड वॉश किया है मैंने 2-3 दिन में, नहाई हूँ मैं कम से कम, और हेड वॉश तो मैंने काफ़ी दिन में किया है, अब मेरी तबीयत ठीक है, अब तो मुझे लग नहीं रहा कि डेंगू का कोई असर अब है, क्योंकि जो रेड रेड पैचेज़ होते हैं बॉडी पे वो मेरे नहीं है अब, तो मीन्स मेरा डेंगू अब ठीक हो गया है, फीवर भी, फीवर तो है ही नहीं वैसे काफ़ी दिन से, और जो उसके सिम्टम्स थोड़े थे वो भी अब सही हो गए हैं, और रहा, और उसका प्लेटलेट्स भी शायद मेरी बढ़ रही हैं,
टेस्ट कराऊंगी मैं आज, नहीं तो कल सैटरडे में मैं टेस्ट कराऊंगी एक बार, क्योंकि 3-4 दिन की गैप पे हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगा कि कितनी है अब कितनी। अब तो बढ़ी रही होंगी, वैसे खा पी भी रही हूँ मैं, खाने को तो बस खिचड़ी खा रही हूँ, नारियल पानी वगैरह ये सब भी खा रही हूँ, रोटी वगैरह मैं नहीं खा रही हूँ अभी। और अब बस उठी थी, सो गई थी मैं आज सुबह, बस अपना ऑफिस वगैरह गए, काबा स्कूल गई, तो उसके बाद मैं फिर सोई गई थी। उठी हूँ बस, पहले झाड़ू लगाई है घर में, उसके बाद फिर खा चाय पिए मैंने, ब्रेड खाए उससे दो, और फिर नहाने चली गई थी मैं, सिर विर धुल के खिचड़ी विचड़ी खाई है बस अभी मैंने। दवाई वही खानी होती है ना, क्योंकि एक मतलब 3 टाइम की दवाइयाँ हैं मेरी, तो वो खानी होती हैं, तो खाना वाना खाना ही होता है। खिचड़ी खा खा के ना इतनी बोर हो गई हूँ मैं ना, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई है खिचड़ी खा खा के। अब तो वैसा जीव अजीब सा हो गया मेरा खिचड़ी खा खा के ना। 3 बजने वाले हैं कागज, वैसे अपने स्कूल से आती होगी वो भी, और बस फिर उसको भी खाना वाना देखती हूँ, क्या खिचड़ी तो खाएगी नहीं वो, और मेरे कुछ बस की है नहीं बनाना, देखती हूँ खिचड़ी विचड़ी खा लेगी। तो कल तो काव्य की चाची आ गई थी यहाँ पे, पूरा दिन वो रही थी मेरे पास, तो अभी ठीक नहीं है तो वो कहने लगी, तो मेरा भी देखो सिर मेरा सूख गया है अभी, तो ऐसे ही बांध दिया है मैंने, कॉम नहीं किया है। और शाम हो गई है, 5 बजने वाले हैं अब, लेटी हूँ वैसे मैं, रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा अभी, और अब देखते हैं शाम को फिर क्या खाना आएगा बाहर से, क्या खाएंगे सब। सारे बाल ऐसे हो रखे हैं, बहुत बेकार हो रहे हैं मेरे बाल ना, फीवर आज बहुत टूटे हैं इनके बाल आगे। तो काव्य की ना अभी डांस प्रैक्टिस चल रही है, काव्य का 19th को ना स्कूल में एनुअल फंक्शन है इसके, तो काव्य डांस प्ले कर रही है स्कूल में, कपल डांस है वहाँ पे बच्चों का। हैं हाँ, इसके पार्टनर का नाम आकर्ष है काव्य का। काव्य कौन से गाने पे कर रही हो डांस? बिल्कुल याद नहीं आ रहा, सच में याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता दूँगी बस क्या है वो। हाँ तो क्या नाम है? हाँ वो वाला गाने पे कर रही है, एक लड़की भीगी भागी सी तो मैं जागी सी, ना पीछे तुम ही कहो ना कोई बात है। कावेस वाले गाने पे प्ले कर रही है, डांस करके दिखाती नहीं है बिल्कुल भी, इतना इतना बोल दिया कि वहाँ स्कूल में तो पूरे स्कूल के सामने तुम बेटा डांस करके करोगे, हमें तो दिखा दो, शर्माती रहेगी, इसके पापा दे मेरे सामने तो करके दिखा देगी, अपने पापा के सामने नहीं करके दिखाती है, वो देखते रहता ना ऐसे कर करके इसको, तुरंत शर्मा जाती है, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रही है, आज करके दिखाना कहा गया, या कल घर जाएंगे ना जब सब घर के सामने सबके सामने दिखाना डांस करके, है ना। ओके पता भी तो चले तुम कैसे डांस परफॉर्म करोगी वहाँ पर, जितनी अच्छी प्रैक्टिस घर पर करोगी उतना ही अच्छा वहाँ परफॉर्म कर पाओगी ना तुम, सबके सामने ही तो हेजिटेशन रहेगी। मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा पूरा करके दिखाना है, आता है मुझे जितना अच्छा हमारा हाथ, सारे चॉकलेट में हाथ होने हैं, ब्लैंकेट पर लगा रही हो हाथ, गंदा हो जाएगा ब्लैंकेट। हाँ ये रिकावी डांस करके दिखाएगी, अच्छा थोड़ी देर में दिखा देना तुम मुझे, कह रही पापा के सामने नहीं आपके सामने दिखाऊंगा बस, नहीं कैमरे के सामने नहीं, चलो तो बाद में दिखा देना मेरे शाम को। मैंने अभी नारियल पानी भी पिया था, कीवी खाया था, हरा भरा खा लिया मैंने अपना, अब लेट चलो थोड़ा सा लेट लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपके आपको, फिर जैसे मुझे टाइम लगेगा मेरी तबीयत ठीक से हो जाएगी ना, फिर मिलते हैं आपसे। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।